देश भर में जगह जगह पर बारिश ने गर्मी की मार झेल रहे लोगों को राहत दी है। बंगाल की खाड़ी से मैदानी इलाके की तरफ बढ़ रहा मानसून बिहार तक अपना असर दिखा रहा है। मानसून की आहट ने लू के थपेड़ों को धीमा कर दिया है और वहीं आसमान में आए बादल और प्री मानसून की हल्की बारिश ने लोगों को राहत दी है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। पूर्वी से पश्चिम यूपी तक बारिश होने की वजह से अब भीषण गर्मी में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया है। शुक्रवार को उरई में सबसे ज्यादा 44.6 डिग्री, प्रयागराज एवं कानपुर में 42 डिग्री और लखनऊ में 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं 22 जून को पश्चिमी एवं पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर लू चलने के आसार हैं, जबकि पूर्वी यूपी में गर्म दिन रह सकता है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर घटने से पश्चिमी यूपी में पारा बढ़ने की वजह से वहां लू के हालात 24 जून तक बने रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वी यूपी में पूर्वीय हवाओं का असर बढ़ने से कल यानी 23 जून से तापमान में और गिरावट आ सकती है। इस वजह से क्षेत्र में गर्मी का असर और कम हो जाने की संभावना है। आपको बता दें कि यूपी के कई इलाकों में बिजली गिरने, बादल गरजने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और उसके आसपास के इलाकों में हीट वेव चलने की संभावना है। इसके अलावा सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और इसके आसपास के इलाकों में भी बादल गरजने, बिजली गरजने के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवा चल सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने यूपी में बारिश को लेकर भविष्यवाणी की है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि आने वाले 2-3 दिनों के दौरान इसके पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसी क्रम में जहां पूर्वी यूपी में 23 जून से बारिश की तीव्रता और क्षेत्रफल में बढ़ोतरी होने और 24 जून को पूर्वोत्तरी तराई और पूर्वांचल के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है, वहीं पश्चिमी यूपी में 25 जून से बरसात के वितरण और तीव्रता में बढ़ोतरी की संभावना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।